जैसे MBA चाहे वाला बीटेक करने के लिए वाला ये सब लोग हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखती है MBA बीटेक चंद्रिका ये क्या आपको ये लोग ड्रामे के लिए होते हैं आपको भी हंसते हो कभी आप रोते हो कभी जोक मारते हो कभी मजाक करते हो बहुत सी वीडियोस में ऐसा देखा जाता है एक आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ मैं चटनी बना रही हूँ सब लोग चुप रहे अगर वो बोलते तो चटनी नहीं बनती कैसे गुस्सा करना है क्या कमेंट कर दिए है बहुत से लोगों ने आपके आरोप लगाया कि चंद्रिका ने ड्रामा कर करके 10 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए का कर दिया चलो आप लेबर दे रहे हैं लोगों को एडिशन डाल रहे हैं फिर आप कहते हैं मैं 4 से ज्यादा नहीं दूंगी चंद्रिका रानी बाग से लक्ष्मी नगर जा रही थी ये मीडिया को कैसे पता क्यों प्रेज भी करते हैं आप सुंदर है अच्छा एक्ट करते हैं क्यों आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आपने डाला हुआ है आर्टिस्ट आर्टिस्ट वो सिर्फ एक कैटेगरी होती है जो उठानी पड़ती है एक हमारे क्रिएटर है तकरीबन 19 मिलियन फॉलोअर है जेजे कम्युनिकेशन मनीष है आपके भाई को नाम चले जी एक उनका रिकॉर्डिंग वायरल हो गया उस रिकॉर्डिंग में वो फीमेल्स को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ो कॉम्प्रोमाइज जन्नत जुबैर के लिए उन्होंने कहा समझे मैडम क्या चल रहा है आइए सर वड़ा पाव बेच रही हूँ वड़ा पाव हाँ जी परमिशन है MCD से हूँ किस चीज की परमिशन सर ये वड़ा पाव स्टॉल लगाने की सर वो लेने के लिए बना रखा है मैंने लेटर भेज रखा है मिल जाएगी तब हो जाएगा मैडम अगर आपने किसी को खिला दिया हाँ। और उसको फूड पॉइजन हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा सर प्योर वेजिटेरियन माल खिला रही हूँ फ्रेश खिला रही हूँ आप देख सकते हैं बनता हुआ डेली सारा फ्रेश तो खिला रही हूँ मैडम ऐसे नहीं होता ये इतने बड़े बड़े आउटलेट खुले हुए हैं कुछ लाइसेंस लेके होते हैं आप तो आ जाते हो ना कोई NOC ना कोई परमिशन फायर की NOC है कुछ आग लग जाए कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का सर सारी दिल्ली जो लोग नहीं कर सकते बड़े बड़े आउटलेट नहीं ले सकते वो छोटी छोटी चीजों पे तो काम करेंगे मैडम ना कोई लाइसेंस है ना कोई कुछ है ऐसे नहीं होगा सर मेरा बड़ा नहीं नहीं निकल दीजिए सर ना 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 चले गए नहीं सर समझ दो सर ऐसे कोई परमिशन नहीं होती इनके पास पता कहाँ से आ जाते हैं ये लोग पूरी दिल्ली में परमिशन होती है कौन से परमिशन आपके पास तो दिल्ली में है सारी कार्डें लगी पड़ी कौन से कार्ड लगे अप्रूवल चाहिए होता है MCD से मैडम लाइसेंस है कहाँ है लाइसेंस कहाँ लगा रखा आपने डिस्प्ले करना होता है नहीं लगा रखा क्या करेंगे आप आपको पता होना चाहिए कोई किसी ने गाइड करा आपको इस चीज के पास सर कानून भी है कौन है कानून कहाँ है कानून सर इसके में कौन सा चालान ना कोई कॉपी ना कोई फोटो कुछ तो होता होगा सर उठाओ ऐसे नहीं है ना 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 मैं ऐसा चलेगा ही नहीं मैं भी कानून जानती हूँ सर कहाँ जाओगे रोजी रोटी क्यों उठा रहे हो किसी की रोजी रोटी की बात नहीं है ये बाय लॉस काम होता है ऐसे काम नहीं होता ये चलिए पूछताछ में मैं भी कानून जानती हूँ आपको सारी कौन से पूछताछ में चलिए तो सही चलो 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 उठाओ सामान उठाओ चलो हेलो सर नमस्ते हाँ चंद्रिका जी बताइए मैं चंद्रिका की गुजारिश आपके पास एक छोटी सी चीज लेके गुजारिश लेके आई हूँ मेरी एक वड़ा पाव दिल्ली में कार्ड में रन कर रही हूँ पिछले दो सालों से रन कर रही हूँ बट अभी फिलहाल मुझे एक दो महीने में बहुत सारी चीजें फेस करने को मिल रही हैं कुछ एजेंसियां हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं दिन प्रति दिन आके कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग में आपसे सलाह मशवरा और सपोर्ट मांगने आई हूँ तो एजेंसी तो चंद्रिका जी परेशान करेंगी आप सोशल मीडिया पे इतने वायरल रहते हो हर तीसरे फीड में आप नजर आते हो फूड ब्लॉगर्स हैं आप डेली आपके पास जाते हैं ब्लॉगिंग करते हैं तो एजेंसी तो परेशान करेंगी आपको सर एजेंसी
परेशान किस बेस पे कर रही है आप, हटा दो ये कर दो सर, बड़ी मुश्किल से बिजनेस को सेट किया है, तब एजेंसी क्यों नहीं आ रही थी जब दो पाव बेच रही थी मैं। नहीं, लोग आरोप लगाते हैं ना कि भाई हर जगह कोई कोई भी आवाज उठा देता है कि चंद्रिका सभी सोशल मीडिया फीड्स पे नजर आती है, हर जगह नजर आती है। पैसे देखी खरीदी भी नहीं है सर, ये बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट में वो आपने सुन ही रखा होगा कि व्यापार नहीं तो प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, मेरा खुद का अकाउंट से मैंने अपना कार्ड भी चलाया, मेरा अकाउंट भी खाने की वीडियो बनाती गई, आज मालिक ने जब उसको वायरल किया है तो सर सभी लोग खिलाफ हो गए। तो इनको पैसे देके बुलाते हो? नहीं सर, मेरा मालिक जानता है, मेरी वीडियो से वायरल मिली 4-5 वीडियो 25-25-30 मिलियन गई है सर, तो उसके बाद सब आए सब फ्री में वीडियो बना के जाते, वो पैसा कमाते हैं सर, मैं पैसा किसी से नहीं लेती सर, वीडियो कमीशन कमीशन तो लेते होंगे? कभी नहीं सर, मालिक जितना दे रहा है बहुत है। अच्छा, पहले जो चंद्रिका थी वड़ा पाव के नाम से तो आज फेमस है, पहले वाली चंद्रिका में और अभी वाली चंद्रिका में क्या डिफरेंस है? पहले वाली चंद्रिका में और आज की चंद्रिका में चंद्रिका सेम है सर, वड़ा पाव घर ज्यादा वो आ गई है, कि मतलब पहली बात तो ये कि दिल्ली में वड़ा पाव ट्रेंड हो गया है, 2 साल पहले कोई नहीं जानता था वड़ा पाव को, और एक मेरा नेगेटिविटी जो रूप है वो लोगों ने दिखाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और एक चीज रहती है ना कि समझ नहीं आ रहा कि लोग मुझे इतने नेगेटिव क्यों ले रहे, क्योंकि मैंने तो अपनी दुकान भी चलाई है, अपना घर भी संभाला, अपना बच्चा भी संभाला है, पर आज लोगों को ये लगता है कि सिंपैथी ले रही है। कौन कौन है पूरे परिवार में? मम्मी है जी, यश जी है, हस्बैंड है जी, बेटा है, ननद है, पापा जी। आप ही अकेले ब्रेड अर्नर हैं या कोई और भी फैमिली में कमाते हैं? सर सारा मिलके यही बड़ा पाव का है। अच्छा, सभी फैमिली बिजनेस? पूरा फैमिली, मतलब मम्मा पहले चलाते थे, 14 सालों से खाने का ही काम है, और मैं भी हल्दीराम में जॉब करती थी, स्विच करा बेटी की वजह से, मम्मा की बहुत हेल्थ डाउन होने लग गई है आजकल, पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो मैंने स्विच मम्मा का बंद करवाया कि अपन अपना बिजनेस करते हैं, सभी लोग इसमें करते हैं, और आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर, कि मतलब इतने सारे टीवी बंद करवा दिए, तो वो चीजें अगर मैं बिजनेस को बढ़ा रही हूँ तो लोग खिलाफ हो रहे हैं, घर पे चलाना है, सारी चीजें करनी है, समझ एजेंट लोग खिलाफ हो रहे हैं, मात्र ठीक है एजेंसियां भी खिलाफ हो रही है, वो समझ नहीं आ रहा सर। ऐसा तो नहीं आप मोनोपोली चलाते हैं, आपको बता रहे टिफिन बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर मम्मी चलाते थे, आपने उनका बंद करा दिया, अपना उन पे थोप दिया? नहीं, बंद इसलिए कराया, सुबह 4 बजे जगना होता था, पराठे जाते थे, नींद आ रही है, एक ये छूट गई, नींद आ रही है, फिर भी 4 बजे उठ के पराठे बेचना है, रात के 12-12 बजे तक सब्जी लेने जाना है, आजाद मंडी भागना है, तो अगर मेरी मम्मा नहीं है, वो मेरी माँ ही है, तो अगर इस जगह मेरी माँ होती ना, मैं उनको बिठा देती, और आगे का भी यही सपना है कि मैं उनको रेस्ट कराऊँ, आप बैठो, बेटे को देखो, मैं सबको संभाल रही हूँ। तो यश का सपोर्ट किस तरह करता है? यश मेरी बैकबोन है, मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी, वो मुझे बहुत अच्छे से संभालते हैं। यश भी कार्ड पे आ जाते हैं? हाँ। आपकी सासू मां भी कार्ड पे आ जाती हैं? मासी मां भी हैं अभी। तो आपका एक छोटा सा बेटा है? हाँ जी सर। तो उसकी टेक केयर कौन करता है? पापा जी करते हैं। कितने साल का बेटा? 3 साल का, अभी 30 तारीख को होने वाला है सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो इस यंग एज में एक माँ का प्यार मिस करता है? आगे का फ्यूचर उसके लिए ब्राइट करना चाह रहे हैं सर, मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं पाया, और कहते हैं ना कभी बच्चे जैसे जिद करते हैं ये चाहिए, वो कभी मिली नहीं कि चाहिए, बस ये कि किसी से बोलूंगी तो किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, वो चीज़ अंदर ही अंदर रही है, तो मैं उसके लिए वो चीज़ करना चाहती हूँ कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे नहीं पता कब तक हूँ, क्या है क्या नहीं है, पर उसके लिए वो सारी चीज़ करके जाना चाहते हैं सर, एक घर की छत सबसे पहले कि मेरा बेटे के सर पर छत होनी चाहिए। आप पेशेंट मतलब थोड़ा सा? मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो रखी है सर, जब मेरी नानी माँ शांत हुई थी तो पहली बार ऐसा लगा कि कोई छोड़ के गया, माँ सब कुछ उनको माना था, उसके बाद से जिंदगी में मैं लोगों को बस ये कहती हूँ कि ये नहीं, ये 2 साल का स्ट्रगल नहीं है, ये 28 ईयर्स का स्ट्रगल है, 6 महीने की उम्र में माँ बाप छीन जाना, 6 महीने की थी, मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए, 5 साल तक कोई ठिकाने नहीं, इस रिश्तेदार के आया उस रिश्तेदार के आया, फिर नानी माँ ने पाला, नानी माँ जैसे ही नानी माँ के पास आई थोड़ा लगा कि अब परिवार मिला है, लोग मिले, घर में लड़ाई होती थी, नानी माँ को बताऊं क्या होगा, यहाँ से तो नहीं निकाली जाऊंगी, यहाँ से तो निकाल नहीं देंगे, तो लोग कहते ना हमारी किस्मत इसकी जैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर,
सीरियसली मैंने बहुत धक्के खाए अपनी लाइफ में बहुत, बट एक उसका बस ये था कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और आज भी घर जाती हूँ, दुकान से घर जाती हूँ तो एक ही प्रार्थना करती हूँ कि कभी दिल भी किसी का दुख गया हो ना तो माफ। समझ ही नहीं आता लोग इतने गलत क्यों लेते मुझे, क्या करते। और मेरे कोई बड़े सपने नहीं है सर, बहुत छोटे वे में कि बस अपने बच्चे के लिए, अपनी जो माँ है उनके लिए घर थक कर ही वो काम करते करते ना, एक एज होती है उसके बाद थक जाता है इंसान, तो बस अब रेस देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी। एक कलकत्ता में एक लेडीज हैं नंदनी, वो भी स्ट्रीट फूड बनाती हैं और बहुत फेमस है अपने एंगर के लिए, गुस्से के लिए। तो चंद्रिका नंदनी को कॉपी करती है? देखा ही नहीं सर, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पता है सर फुर्सत क्या चीज की होती थी? 5 बजे उठती हूँ, सब्जी मंडी मम्मा और यश आते हैं भागते, 7 बजे तक आते हैं, बेटी को सब खाना खिला के मसाले वगैरह चटनी एक एक चीज हाथ से बना के 3 बजे कार पे पहुंचना है, माल निकालना है, फिर छोटी सी वीडियो बनानी है, एक दिन मुझे भी वायरल होना, एक दिन मुझे भी वायरल होना, बस ये होता था खुद का एक रास्ता। कहते ना अर्जुन का लक्ष्य, तू मेरा लक्ष्य था कि बस चलते जाओ चलते जाओ। कभी इधर नहीं देखा मोमोज क्यों ही वायरल हुई है हमारी, बीटेक पानी पूरी वाली हुई है, हमारे चाय वाले भैया हुए, कभी इनकी वीडियो खोल के पर्सनली नहीं देखी सर, बस नाम सुना हुआ है। ठीक है मेहनत करी होगी, आज भी गलत नहीं सर, मेहनत करी होगी हुआ है बंदे का नाम, बट मेरा तो बस यही ना था ना सर, दुकान से घर, घर से दुकान। अभी हमारे एक नागपुर के है दौली चाय वाले, बिल गेट्स के साथ फोटो खींचाते हैं, कोलैब करते हैं, आप भी डॉली के साथ मिलने आए थे सर, नजर आते हैं, तो आपको भी सपना है किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करना या इस तरीके से और ज्यादा नाम पाना, फेम पाना? सपना नहीं है सर, और नाम नाम सब ऊपर वाले की देन है सारी चीजें। अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहते थे चंद्रिका दीक्षित, क्योंकि मेरी माँ ने मरते वक्त मेरी नानी से एक ही चीज कही थी, इसकी शादी मत करना, इसको अपने पैरों पे स्टैंड करना, कुछ काबिल बनाना। तो आज इसलिए चंद्रिका घेरा दीक्षित माँ का सरनेम साथ लेके चलती है कि हाँ मैंने करा। दूसरी बात आती है कि सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, सीरियसली, इसलिए नहीं कि बॉलीवुड सारी चीजें देखिए बहुत अच्छे, गलतियां हुई होंगी सारी चीजें, बट एक कहते ना दान पुण्य एक सॉफ्ट हार्ट, तो वो कनेक्टेड ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कभी भी उनको देखते हुए देखा कि यार नहीं है ना चल दे दे, तो वो चीज, तो बस चाहती हूँ कि हाँ एक बार दूर से ही सारी चीजें दुआ सारा। आपको कहीं ना कहीं फेमस करने में फूड ब्लॉगर्स का बहुत बड़ा था, आते हैं वीडियो बनाते हैं। हाँ सर आजकल तो सब लगे रहते हैं तो कभी तो ऐसा मन में आता होगा कि चल अब पैसा बनाना शुरू करती हूँ, ये भी वीडियो से कमा रहे हैं मैं भी। बेटे को बंधवा लग जाएगी सर, वो नहीं कमा रहे, सच्चे नहीं बताना। दूसरी बात कि आप अगर मेरा अकाउंट उठा के देखेंगे तो 3 लाख ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो 2 सालों में मैंने अपनी कार्ड भी चलाई है और अपना अकाउंट भी चलाया, एक पे 25 मिलियन है, एक पे 28 मिलियन है और एक पे 10 मिलियन बिट पर, जब गई है तब ब्लॉगर्स आए। तो मैं सबसे पहले अपनी मेहनत को सलाम करूँगी, जो दिन रात करके रात की 2-2 बजे सर एडिटिंग करती थी, खाना साइड करती थी, भूख साइड करती थी, मैं कहती हूँ आप बन जाओगे चंद्रिका दीक्षित, पर आपको प्यार सारी चीजें भूख प्यास हर चीज साइड करनी पड़ती है। आपका सबसे पहला वीडियो किसने बनाया? स्ट्रीट फूड मेरे से उनका नाम पूरा नहीं याद है, हमारे स्ट्रीट फूड करके कोई चैनल है, भाई आए थे मेरे, दी आपका टाइम चाहिए, ठीक है बेटा उसे भी बुखार था, मम्मा को भी बुखार था, 2:30 बजे आना पड़ेगा, निकाह का टाइम 4 बजे, 2:30 बजे बुलाया, क्योंकि 4 बजे बहुत भीड़ होती है, 2:30 बजे सेटअप लेते हैं। तब इंस्टाग्राम अकाउंट कितना था? 1.5 लाख था, और वीडियो उनके, मेरी वीडियो उनके पास गई थी, पहले मैं कॉमेडी कंटेंट बनाती थी, हस्बैंड वाइफ के खाना बनाते बनाते कॉमेडी बना दी, बहुत हंसमुख लड़की थी सर, बहुत हंसमुख लड़की थी, तो कंटेंट बना दिया, जाते जाते रेडी ढकाते ढकाते कंटेंट बना दिया है, बड़े निकालते निकालते कंटेंट बना दिया है, तो वो वीडियो गई थी कि दी आपकी वीडियो हमारे पास आई, हमने देखा कि किस अकाउंट से उठी है, जब देखा तो आप ही के अकाउंट से उठी थी, उसने शाबाशी भी दी कि पहला ऐसा कोई क्रिएटर देखा कि खुद ने अपने अकाउंट पे मेहनत करी, वीडियो भाई बना के गए। ये बात नहीं बोलूंगी
मुझे सच्ची में जब पहले किसी से मिलती हूँ मुझे लगा अच्छा इंसान है, दिल का अच्छा लगा, सारी चीजें। 2 बजे आई, मैं सारा सेटअप लेके हमारा सारा, उस दिन 3 बजे मेरे कस्टमर भी आके खड़े हो गए थे, फ्री में कॉफी भी पिलाई है मैंने पहले पहले लोगों को, फ्री में कॉफी, फ्री में बड़ा पाव, तारीफ भी करिए, हर चीज करिए। पर पता नहीं क्यों सर जाके उन्होंने ना, जब मैं और आगे बढ़ी सारी चीजें ब्लॉगर से इकट्ठे हुए, बड़ा राजमा चावल के साथ बड़ा पाव, बिरयानी के साथ बड़ा पाव, मोमोज के साथ बड़ा पाव, मतलब छोले कुलचे के साथ बड़ा पाव, एक छोटा सा बच्चा है हमारा बड़ा पाव वाला, उसके साथ दीदी सुंदर है इसलिए बड़ा पाव बेचती है, लाइनें लगती है, ये सिखाया गया उन्हीं भाई ने। तो हर हुई सर, क्या आपने बोला नहीं फोन करके कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैसेज करा था सर, मेरी मदर एंड मेरी माता, तो वो वीडियो देखते सारी चीजें, चंडिका तू कब फेमस होगी, चंडिका जैसे हमारे सारे ब्लॉगर्स आते हैं, सारे लोग होते हैं, चंडिका तू भी तो करती है। मेरे सामने ये ऑप्शन भी आए थे सर कि पुला के वीडियो बना लो, पर जब किसी ने कहा था इतना पैसे लेते हैं ब्लॉगर, फिर मैंने एक चीज देखी कि हराम की कमाई बहुत। मेरे पति ना सर बरसात में अस्थमा के पेशेंट है, जब बरसात होती है ठंड होती है, जब 4 बजे मतलब पूरी दुनिया ठंड में सोती है ना सर, 4 बजे उठ के मंडी जाते हैं, तो 500 रुपए भी मैं खर्च करूंगी ना सर 10 बार सोच के करूंगी कि यार बंदी की मेहनत ही कमा, मैं ही खड़ी नहीं होती सर, मेरे पीछे भी जो काम कर रहे हैं ना उनकी एक एक मेहनत है सर, तो 500 रुपए मैं बचा के रहूंगी, किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं दूंगी ना किसी ब्लॉगर को दूंगी। जैसे MBA चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाला, ये सब लोग हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखती है MBA बीटेक, चंद्रिका ये क्या है? ये कर रखा है टुकड़ों टुकड़ों में हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में हुआ, बट फाइनली कर लिया। शादी के बाद? शादी के पहले सर, जैसे 5 साल के बाद तो स्टडी स्टार्ट हुई, मम्मा नहीं थी तो नानी माँ ने पूरा करवाया सारी चीजें, फिर बीए करने के बाद डिग्री और भी लेना चाहती थी, सारी चीजें करना चाहती, पर फुर्सत नहीं थी, जॉब भी करना था, दिल्ली जैसे शहर में अगर गृहस्थी चलाना है सर, तो मेरा मानना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को सर्वाइव करना पड़ेगा। अभी जैसे आप कह रहे थे कि आपको बोलने लगे स्ट्रीट फूडर जो भी थे कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो मैं जानना चाहूँ कि आपकी जो ये लव केमिस्ट्री है, शादी आपने की यश से, ये कैसे शुरू हुआ, क्या थोड़ा सा मुझे लगता है शायद ये आपने बताया नहीं हुआ आज तक। नहीं सर, मैं MP से इंदौर जब नानी माँ शांत हुए सारी चीजें हुई थी, उसी वक्त मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, फिर घर वालों के बदलते नेचर सारी चीजें, नानी माँ थी तब तक सब कुछ था, फिर धीरे 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 फिर ऐसी जॉब के लिए बैठे बैठे अप्लाई करती रही, यहाँ पे अच्छे फ्रेंड भी थे सारी चीजें, फिर बात हुई कि हाँ यहाँ आ जाओ, भाई ने सपोर्ट करा कि चलो दिल्ली चलो, मेरे को एक कहते ना एक किसी के शांत होने के बाद मैं बिल्कुल सिमट सी रही थी, पहले से बात करना लगो, दिल्ली में भी आने के बाद सर 12 घंटे की कंटिन्यू जॉब करी, अरे भाई बोर्ड पे कर, एक छोटा सा कमरा था उसमें 3 रात बस काम 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 काम, कई बार तो खुद को खत्म करने का ख्याल भी आता था, डिप्रेशन में थे आप? कुछ नहीं रखा जिंदगी खत्म करते, कुछ नहीं रखा, कौन साथ देगा, कौन क्या करेगा, क्या मतलब एकदम से आपकी लाइफ किसी ने संभाली की पुचकारा, कोई केयर करने वाला नहीं था कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं था मेरी लाइफ में। 12 घंटे की जॉब, फिर टिफिन भूखे सो जाती थी, पानी पी लेती थी, इसलिए आज मुझे भूख भी नहीं लगती, मैंने अपनी भूख मारी थी, सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने अपनी भूख मारी दिल्ली में लंगरों में खड़े होकर खाना खाया। कार्ड पे आप देखते हो कि कहीं ना कहीं आपका बॉसी नेचर होता है, आप काम कर रहे हो तो यश बेचारा कोना पकड़े के काम कर रहा होता है। वो गलत बात है, मैं कोई नहीं करने संभाल रहा हूं, बोलना चलना सब दिखता है, आप उसको कुछ बोलते हो वो ऑर्डर मानता है, तो कहीं आप कान ऐड के रखते हो, दुनिया के लिए ये नहीं बोलते, मैं कहती नहीं मुझसे ही बोलते, कसर तो आप पूरी कर लेते हो ना बोलने की, शायद इतना कुछ भरा पड़ा है ना सर कि जिस दिन निकला ना उस दिन पता नहीं क्या ही होगा, बहुत अंदर सब अंदर है, तो यश को डांट के रखते हो,
मैंने जिस दिन शादी करी थी उसे एक ही चीज मानी, मेरा बाप बन जा। मेरी जब माँ मरी थी ना, मेरे बाप नहीं आए थे, नफरत मुझे रखा भी नहीं था। अच्छा, आप अभी फूड कार्ट लगा रहे हैं, जब लड़का फूड कार्ट लगाता है तो कहीं ना कहीं समाज में उसे बोला जाता है कि अच्छा काम नहीं है, ऐसा नहीं करना, या रोड वाला काम है। और लड़की अगर कर रही है तो बहुत से चैलेंजेस फेस करने को मिले होंगे आपको भी। लड़की वाली बात मैं आपको जवाब देती हूँ। उसके बाद कभी ख्याल नहीं आया कि जी धक्का मार रहा हूँ, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। दूसरी बात, मेरे चेहरे फेस करे कार्स में हमारे दारू पी के भैया होते थे, लाला इधर बारिश हो गई है, वहां भीग रही हो, सर ठंड ठंड में मुझे हार्ट पेशेंट वाले के नाते ठंड नहीं बता सकती, फिर भी जाती हूँ कार्ड संभालती हूँ, क्योंकि माल खत्म नहीं होगा सर, मेरे दिमाग पर टेंशन हो जाता है कि अब आगे का कैसे क्या करूंगी, तो फिर निकालना पड़ा सारी चीजें, हर चीज फेस करें। और मैं बस इसी चीज को बोलूंगी कि लड़का लड़की मैटर नहीं करता सर, अपने काम में ईमानदार रहो। आज मेरे एक चाय वाले भैया हैं डॉली भाई का, जी चल रहे हैं सर, अभी तो दुबई घूमने चल रहे हैं, अभी उड़ रहे हैं, आज मिस्टर 12 के मुंह है सर, मैंने उनको भी छपरी बोला गया था सर, कुछ लोग कहते हैं मूड स्विंग होते हैं चंद्रिका के, कुछ लोग कहते हैं नौटंकी करती है। रोने वाली वीडियो में बता सकते हैं सर, जब मेरे माँ पे मेरे पति पे मेरी रोजी रोटी पे मेरी माँ का उस दिन हाथ चला था, मेरे पास उसका वीडियो तक है, होगी मुझे चार बार मेरी कार्ड हटाई गई, तो मैंने अभी जो बात की थी अंदर भरा पड़ा है सर, फ्रस्ट्रेशन था। हमारी शिवरात्रि से पहले मेरी कार्ड हटा दी थी मुझे छतरपुर आश्रम से, नेक्स्ट डे मैं बहुत रोई थी, रात नेक्स्ट डे आया था कि आपको यहाँ लेके 300 वड़ा पाव का, नेक्स्ट डे मुझे वहाँ ऑर्डर मिला, जैसे तैसे निकाला सर, सर ने पूरे पैसे देने की कोशिश की, मैंने आप दे दी और रो दी, मैंने कहा पापा मैं जैसे तैसे कार्ड चला दो, अगले दिन आती हूँ फिर ड्रामा कुछ ना कुछ, फिर पानी फेंक दिया तेल में पूरा हाथ चल गया, तो नहीं रोऊंगी सर। वो रोने वाला वीडियो आज भी लोग कहते हैं ड्रामे करती रोती, मैं एक ही वीडियो में रोई होंगी कि जिसको देखो बस चंद्रिका दिख रही है कि बस इसको टारगेट कर दो। बहुत सी वीडियोस में ऐसा देखा जाता है, एक आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, मैं चटनी बना रही हूँ सब लोग चुप रहे हैं, अगर वो बोलते तो चटनी नहीं बनती। नहीं 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 सर, मैं इस चीज में एक चीज बात बोलना चाहूंगी कि जो हमारे स्टोर वाले होते हैं शॉप वाले होते हैं सिर्फ 10 कस्टमर हैंडल करते हैं ना सर, तब उनका थोड़ा सा मूड अलग होता है, और मेरे पास आपने देखे 500 कस्टमर डेली होते हैं सर, ऊपर से ब्लॉगर्स की भीड़ होती है, कोई क्या क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्या क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्या क्वेश्चन कर रहा है, इधर से भैया अरे मुझे ये दे दो, अरे मुझे दे, तो सर इंसान भगवान को भी गुस्सा आता है सर, तो गुस्सा नहीं करा कि 2 मिनट शांत हो जाओ। और ब्लॉगर भाइयों के लिए था कि सर 20-20 ब्लॉगर 500 कस्टमर, आपकी कंटेंट टीम भी होती है स्ट्रेटेजी बना के देती है कैसे हंसना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे गुस्सा करना है, चंद्रिका क्या कमेंट कर रही है, चंद्रिका दीक्षित सिर्फ एक के इशारे पे नाच रही है, वो ये बोलेगा। अच्छा मुझे लगा यश बोलेगा, नहीं वो बोलेगा, इसके अलावा सर कोई फेक चीज नहीं है, कुछ नहीं है, हंसना है तो हंसना है, रोना है तो रोना। अच्छा, बहुत से लोगों ने आप पे आरोप लगाया कि चंद्रिका ने ड्रामा कर करके 10 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए का कर दिया। ड्रामा कर करके सर 2 साल पहले भी तो 50 रुपए बिक रहा था सर, चलो ड्रामा आज हुआ है सर, 2 साल पहले से रन कर रही हूँ कार्ड को, 50 रुपए में सेम चीज 40 रुपए का विदाउट बटर, 50 रुपए का बटर, 60 रुपए का चीज, 70 रुपए का चीज, बस अच्छा हो मैंने दोनों चीजें हटा ली 70 और 60 का, सिर्फ बटर और ग्लास ही है। उसके बाद सर पाव
हमारे हार्वेस्ट के यूज होते हैं पर्सनली, काफी पाव जो बोलने वाले होते हैं बनवा ले, लसन जो होते हैं फ्रोजन वाले नहीं यूज कर ले, पूरे जो फ्रेश जो कहते हैं स्मेल वाले नहीं, तो चले जो एक अलग बड़ी चटनी के लोग दिखाने वो भाई फ्लेवर दिख रही है वो चीजें दे रही है सर कॉस्टिंग लग रही है एक तरह आप फ्लेवर दे रहे हैं लोगों को एडिक्शन डाल रहे हैं फिर आप कहते हैं मैं चार से ज्यादा नहीं दूंगी। इस चीज पे मैं आपको बताती हूँ सर कि चार से ज्यादा नहीं देने वाली वीडियो मेरी बहुत चली, लोग आके मेरे से पर्सनली पूछते दीदी चार से ज्यादा मिलेगा मुझे टोन करते हैं बट उसमें मैं बहुत प्यारा जवाब कंटेंट हो गया नहीं प्यारा जवाब देती हूँ सर कि जिस भी मेरे भाई ने ये वीडियो बनाई है 4 बजे से लेके 8 बजे तक अनलिमिटेड पड़ा 4 से 8 से लेके 9 बजे तक सिर्फ 4 बढ़ा पाए। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ सर कि एक बार नोएडा से बुजुर्ग उतर आए बड़ा पाव खाना बेटा, तो कपल थे बुजुर्ग बहुत अच्छे लगे मुझे बेटा बड़ा पाव खाना, मुझे मना करते हुए इतना गिल्ट लगाना सर कि शर्म आ गई जी। तब से मैंने ये चीज कही मतलब 10 बजे तक कस्टमर बच्चे आते थे एक बड़ा पाव दे दो सिर्फ तेरा पाव दे दे वो चटनी के साथ खा लेंगे बड़ा भी नहीं होगा चलेगा तेरा नाम सुन के आया बेटा। तो सर गलत क्या कर दिया लोगों के लिए तो बचाया ना बच्चे से मुझे याद आया एक बच्चे ने आपको ट्रोल करना शुरू किया आप दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी नगर उसके स्टॉल पे चले गए वो कहते हैं ना छवि बचाना आप उसके साथ खड़े होके बड़ा पाव खा रहे हैं। छवि नहीं बचाई सर 12 साल का बच्चा है सर। हाँ बड़ा छोटा बच्चा बहुत छोटा बच्चा लेकिन उसकी कार्ड तो गई ना सर मुझे जाना पड़ा दीदी के पास 50 रुपए का मिलता है दीदी सुंदर है बड़ा पाव भी करा ये लाइन उसे कंटिन्यू याद कराई गई थी मैं जब गई तो बहुत कुछ हुआ गले से लग गया सारी चीजें सब कुछ भूल गई सर मैं लग गई ये था कि मैं पूछने गई कि बेटा सच्ची तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सुंदर हूँ तो मैं 2 सालों से बेच रही हूँ तेरी मजबूरी है कि तेरे पापा उनके पापा उठ नहीं पाते मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से वो बच्चा कार्ड पे खड़ा है तो मेरे ब्लॉगर भाई का जो काम था ना सर उसका ये पूरा हाथ जैसे ही मेरा हाथ आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं सारा चला हुआ है तो मैं कढ़ाई पे काम करती हूँ तो जल्द लगते इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे कढ़ाई दूर रखो ऐसा करो तो जो दिखा सर वो बोल के आई पूरा हाथ चला था सर ब्लॉगर्स को नहीं ध्यान था सर दीदी को बाद में लपेट लेते मेरे भाई का तकलीफ तो देख अच्छा आप जो बताते हैं वो रिकॉर्ड भी करते हैं दिखाते भी हैं फिर नहीं सोशल मीडिया में तभी आया ना वो जो हमारे रिपोर्टर्स तो हर जगह होते हैं सर लेकर चलने पड़ते हैं मेरे कुछ नहीं अच्छा खुद से मेरे खुद की कुछ नहीं मैं अपना खुद अभी हाँ मैं अभी आईडी पे जैसे मेरे बच्चे की वीडियो मुझे अपने अकाउंट पे इसलिए नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी हर जगह डल गई है तो इसलिए मैंने नहीं डाली लोगों को पता होना चाहिए उसमें भी लोग कह रहे हैं अपनी सफाई पेश करने चले गए जिस सबकी सबकी राय नहीं बदल सकती हमारे सीएम साहब हमारे पीएम साहब या कोई भी डिग्निटरी कहीं जाते हैं लोगों को पता रहता है मीडिया को पता रहता है चंद्रिका रानी बाग से लक्ष्मी नगर जा रही है ये मीडिया को कैसे पता पता नहीं सर सीरियसली बता रही हूँ सर मुझे बिल्कुल नहीं पता उस दिन उस बच्चे के लिए भी बहुत सारी चीजें क्रिएट हो गई थी मतलब भीड़ हो गई थी सारी चीजें बट मिलना था सर कि बच्चे के माइंड में 12 साल का बच्चा है उस बच्चे के माइंड से खेल रहे हो उसका सपना है कि पुलिस ऑफिसर बने ब्रेन वॉश पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके अभी से ऐसे गाइड कर दिया तू पायलट हो जाएगा मैं बुलाता हूँ तेरे पास भीड़ हो जाएगी तू ये बोल मैं बुलाता हूँ पूछता हूँ बिल्कुल सर अच्छा आप जैसे अभी रोड साइड कार्ट लगा रहे हैं बहुत सी एजेंसियां आपको परेशान करती होंगी पड़ोसी भी परेशान करते होंगे सर मेरे अलावा अगर वहाँ पर 8 बड़ा पाव कार्ड वो चलते भी होंगे कहीं ना कहीं कंपटीशन में लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी कंपटीशन हो गई बट सीरियसली सर मालिक कितनी दुआ है ना सर कि जब कार्ड पे खड़ी होती हूँ ना तो सिर्फ मुझे मेरी पब्लिक मुझे मेरा जनता का प्यार देखता है मैं आगे देखती हूँ सर लोग कहते हैं अवंतिका से सी आए हम टेस्ट दे रहे हैं तो मतलब उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं बट सामने ही कहते काश दीदी की जगह 2 साल पहले हम यहाँ होते आज हम यहाँ होते तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ दीदी की किस्मत बहुत स्ट्रगल करती हूँ जनरली हम देखते हैं कंपटीशन लाइन में जो हमारे लाइन के लोग होते हैं वो बिजनेस डाउन करने के लिए कुछ गुंडे या सामाजिक तत्व छोड़ देते हैं जो आपसे बदतमीजी करते हैं बदसलूकी करते हैं आपसे आपके कस्टमर से कभी चंद्रिका ने सब फेस किया
मेरे हस्बैंड को इतना उस्ताया गया, इतना मतलब एक कहते ना तेरी बीबी ये, तेरी बीबी रोड वाली, तेरी बीबी ये सा, तेरी बीबी मेरे पति, इतने ज्यादा वो कहते ना कि वो एक लेडी टू लेडी मतलब लेडी टू जेंट्स वाली चीजें होने लग गई थी। उस वक्त मेरी माँ ने वीडियो वायरल हुआ था छाती पे से हाथ रखने वाला, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। पर ये नहीं दिखाया गया कि उस लेडी से पहले नहीं दिखाया कि उस लेडीज ने रोड जाम करवाया, गाड़ियां लगवाई, पति को पूरा खुले में दे रही, तेरी बीबी गलत वर्ड यूज कर रही, सारी चीजें धंधा कर रही है, ये कर रही है। तो एक कोई आदमी पता है उसकी बीबी क्या कर रही, आप कौन है, क्यों बोल रही, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छे से बैठ के बात करो। उससे हाथ जो मुझसे आई थी बोले कौन है तू, अलग ही लैंग्वेज लग रहा था उनका, बॉडी लैंग्वेज मुझे एक नॉर्मल लेडी का लग ही नहीं रहा था। फिर जब पता चला कि वो ऑलरेडी सस्पेंड सारी चीजें हैं, तो फिर मैंने उसको साइड करा, मैंने यश को शांत करा, मैंने कहा बंद किया, क्योंकि उस दिन बहुत गलत हो जाता था। यश अगर गलती से हाथ उठाती क्योंकि उसने इतना भड़का दिया था, तब मेरी माता सामने आई थी कि तू मेरे बेटे पे वार कैसे कर रही है, मुझसे बात करना, मेरी बहू को लेके बात करनी है मुझसे, तब मेरी माँ का छाती पे हाथ रखने वाला वीडियो, मेरा ऐसे नीचे बैठ के रोने वाला वीडियो भी प्लीज बंद कर दो ड्रामे, मुझे अपनी रोजी रोटी चलाने दो। बस वो बोलते भी नहीं गए, बस हाथ जोड़ते हुए दिखा दिया, हाथी तो जोड़े हैं, गलत थोड़ी करते, किसी को चाकू थोड़ी मार दिया। अच्छा चंद्रिका, अभी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम देखते हैं बहुत लंबी लाइन होती है, चार बड़ा पाव देते हैं। नहीं सर, मैं अनलिमिटेड बड़ा पाव देती हूँ, आफ्टर 8:30 मैं चार देती हूँ। वो मेरे कुछ कस्टमर जो नोएडा कल उड़ीसा से आए थे, छत्तीसगढ़ से आए थे, आसाम से, दुबई से, सब जगह से आए थे। दुबई से? दुबई से। फ्यूचर में प्लान है रेस्टोरेंट खोलने का या फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे आने का, कोई स्टार्टअप करने का? ऐसा फ्रेंचाइज का कुछ आइडिया नहीं सर, कुछ नहीं है, बस मम्मा का और यश का छोटा सा टेबल, छोटा सा ढाबा होगा, अभी नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। बट मेरा, मैं आपको एक बहुत चीज बताती हूँ, मेरा बेटा से 2 साल पहले बीमार हुआ था, उसको टाइफाइड और डेंगू दोनों चीजें साथ हुई थी, तब पहले जॉब छोड़ी थी। चंद्रिका गेरा दीक्षित 2000 रुपए के लिए तरसे थे, 2000 रुपए के लिए मेरी सैलरी होल्ड कर दी गई थी, और जिसे हम सभी को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियां नहीं मिलती सर ज्यादा, तो मुझे जॉब लीव करनी पड़ी, और 2000 नहीं होने की वजह से मुझे जब मैं वहां पे हॉस्पिटल गई, नर्स ने बहुत तेज फीवर था 4 दिन से, आंख नहीं, मैं अपने बच्चे से बहुत कर रही हूँ सर, मुझे वो चीज नहीं मिली ना, तो मुझे ये लगता है कि बस इसको कैसे भी करके कर दूं मैं सारी चीजें, मैं इसको आगे से आगे हर चीज कर दूं। पर जो उस नर्स ने कहा 1 घंटे वेट कर ले, मर नहीं जाएगा, तब सीरियसली सर ऐसा लगा ना कि पैसा बहुत कुछ चीज, उस दिन दिमाग में घुस गई वो पैसे वाली। हालांकि मैंने अपनी कुछ चीजें थी साइड में करी, उधार पैसे मार के बच्चे का इलाज करवाया, 8000 रुपए की कार खरीदी, उस दिन का सफर है आज का सफर, कभी किसी के आज हाथ नहीं फैला ले मेरे बाबा ने, तो वो कार ने मेरा साथ बोल दिया। चंद्रिका आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, चीजें बेहतर है। एक कुल्लड़ वाले पिज्जा, उनका एक वीडियो वायरल होता है, आप अच्छी जाना, शायद न्यूज़ में सुना सुना जरूर था सर, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो पब्लिसिटी स्टंट था? एक बात कहूँ सर, मैं उस तरह माँ की बेटी हूँ जो मतलब साथ नहीं है, संस्कार नहीं है, बट मेरे अंदर वो आज भी जिंदा है कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव हो जाए, कुछ तो रीजन होगा। कोई कपल ऐसा अपना वीडियो क्यों डालेगा सर, एक ये वो भी उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, क्या मेंटली स्ट्रेस होगा, क्या चीजें होंगी, और वायरल अगर मेरे पास आता तो मैं उसको कभी आगे शेयर नहीं करती सर, क्योंकि एक लेडीज की इज्जत है सर, वही टॉप आउट करती, पर हमारी पब्लिक तो भाई दे धनाधन दे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड पब्लिक ने वायरल कर दिया सर, उसकी मेंटली कंडीशन, उसके हस्बैंड की, वो बच्चा प्रेग्नेंट है, डिलीवर होने वाली, सारी चीजें सर, मेरे पास ऐसी कोई चीज होती ना सर कभी नहीं करती सर जी, कभी नहीं। जो वड़ा पाव है बॉम्बे में बहुत ट्रेंडिंग है, इसको आप दिल्ली में लेकर आए, हम दिल्ली में इसको बढ़ा रहे हैं, लोग ने मोमोज खाना बंद कर दिया सब वड़ा पाव पे आ गए हैं, अब तो लोग कहते हैं इसने बिजनेस बंद करवा दिए, और जब मेरे पास लोग आके कहते हैं ना दी आपने बिजनेस दे दिए, क्योंकि मेरे कार्ड के पास लेमेंजो वाला भाई, जो कॉफी होता है वो भाई, और हमारी चुस्की वाला भाई, सभी लोग आके मुझे भगवान। चलिए एक बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगता है,
आप एक सेकंड में हंसते हैं, एक सेकंड में रोते हैं, एक सेकंड में मजाक करने लगते हैं। लोग कहते हैं आप मूड स्विंग के पेशेंट हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनको लगता है, ठीक है, पहली बात तो रोने वाली पे बात आती है कि मैं सिर्फ दो बार मेरा रोने वाला वीडियो गया है। एक बार जब मेरी कढ़ाई में पानी फेंका गया था, मेरे बड़ा पाव को फेंका गया था, सारी चीजें उठा उठाते भी रेडी उठाते सारी चीजें बदतमीजी कही गई थी मुझसे। तब चार दिन से मेरी कार्ड इधर से उठा वहां लगा, उधर से उठा, एक फ्रस्ट्रेशन आ गया था अंदर, तब मेरा रोने वाला वीडियो बाहर गया था। दूसरी बात, एक दिन वो मायावती आके मेरे हस्बैंड को सारी चीजें टॉर्चर करनी थी, तब दूसरा वीडियो गया था। उसके बाद सर मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई तीसरा रोने वाला वीडियो होगा, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे मालिक के आगे रोना पसंद करती हूँ। वो तमाशा नहीं मनाता मेरा, वो मेरी तकलीफ सुनता है। रही बात कस्टमर जैसे क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब देना है, और मेरा मानना है कि मैं जितना प्यार से डील करूंगी कस्टमर उतनी बार आएगा। सर चंद्रिका, आज आप बड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस है, हस्बैंड कहीं ना कहीं आपको असिस्ट करते हैं, आप फ्रंट फेस हैं, वो सेकेंडरी फेस। नहीं, ऐसा नहीं है सर। चंद्रिका फेमस है, यश फेमस नहीं है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो भी यही बात कहते हैं कि बड़ा पाव का फेस चंद्रिका तुम, और मेरी माँ भी यही कहती है कि जब तक तुम लक्ष्मी है तो हमारे घर की। और पता है सर एक चीज बताओ, अनाथ लड़की को किसी ने अपने घर की इज्जत बनाया ना, बहुत बड़ी बात है। आप सोसाइटी में रहते हैं, आते जाते लोग टॉन्ट भी करते हैं, चढ़ते हुए वो गिराते हैं। पति क्या करता है इसका? नहीं, वो कहते होंगे अरे तो औरत की कमाई कर रहा है। आते इमोशन होते हैं आंसर, वो खुद कहता है बोले मैं संभाल लूंगा, तो सारी डर जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे याद की इनफैक्ट एक बार मेरी क्वेश्चन कर लिया था, मैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसी चीजों से आप मुझसे नाराज हो जाओगे। हाँ सारी चीजें, तो उसने कहा किससे बात करते, सबसे पहले तो तेरा पति सारी डर जाती, मैं तो तेरे माँ बाप हूँ ना। पहली चीज है सर कि वो कभी, मैं बता रही हूँ सर कि वो अगर मेरा बच्चा ठीक है ना तो सिर्फ उसकी वजह से। मैं जॉब करती रही 12-12 घंटे की सर, मेरा बच्चे का ध्यान उन्होंने रखा। मैं माइग्रेंट पेशेंट हूँ सर, जब इतना शोर हल्ला सारी, अभी तो पिछले एक महीने में बहुत चीजें मेरे हाथ में मोबाइल से कमेंट्स पड़ती, सर बड़ा पाव लगा ये कर, इतनी बेइज्जती अपनी हर डॉक्टर्स। लोग प्रेज भी करते हैं, आप सुंदर हैं, अच्छा एक्ट करते हैं। एक्ट क्या हो रहा है सर? क्यों आपने के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आपने डाला हुआ है आर्टिस्ट? वो सर कोई कैटेगरी होती है जो हमें उठानी पड़ती है सर। ब्लॉगर डाल नहीं सकती थी, कुछ नहीं डाल सकती थी, अकाउंट हैंडल करना था, सारी चीजें तो डाला सर, जो उसकी रूल्स के अकॉर्डिंग चली मैं। और मेरे हिसाब से तो हर एक इंसान आर्टिस्ट है सर, हंस भी रहे, रो भी रहे, काम भी कर। कई बार हमको ऑफिस से इतना गंदा सुनने को मिलता है, भी परिवार के सामने स्माइल करके आते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चले। आज मैं हूँ, कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरी सासु माँ जो मामा माता है ना, बहुत टेंशन कर रहा था, चलिए का तुझे पता है एको कार्ड लग गई है, अब अपन क्या करें। वो बहुत ज्यादा जल्दी डर जाती है, लेकिन नहीं मुझे, पर डर तो मुझे भी लगता है सर, पर उनको भी डरा दूं। अपने भाई को बोला, चलिए ठीक है। एक उनका रिकॉर्डिंग वायरल होता है, उस रिकॉर्डिंग में वो फीमेल्स को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती हैं, और फीमेल के साथ गालियां देकर ऐसे अपशब्द वो कहते हैं, तो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ 19 मिलियन फॉलोवर, तो 19 मिलियन में कम से कम 10% फीमेल्स भी होंगी, उसके बाद उनकी ऐसी सोच, घर में भी लेडीज होंगी सर, उनके घर में भी लेडीज होंगी, वाइफ होंगी, मतलब उनकी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज़। मैं समझ गई उस चीज़ को। जब
तकलीफ नहीं होगी कि भाई तू जानता है क्या है अभी? ऐसे कैसे बोल दिया तूने? जजमेंट दे देना सर, आप किसी इंसान को जानते नहीं, उसकी तकलीफ को नहीं जानते, उसकी किसी चीज को नहीं जानते, और आपने उसके बारे में जजमेंट सुना दिया। आपने उसको जाके पूछा? यही चीज मेरे साथ भी होती है। क्योंकि आप फीमेल हैं, इतना अच्छा आप खुद हुआ सर, मेरे साथ हुआ जब मैं दिल्ली में जॉब करने आई थी, क्वेश्चंस होते थे कहाँ तक कंफर्टेबल है मैडम, इंडिया ऐसा साइज होती है कहाँ तक कंफर्टेबल है आप करें फेस सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि बिक गई। आज मेरा बस एक ही रोल है सर कि उस तरीके से रहो कि अपने जब कोई भी इष्ट हो, किसी को तो मानते होंगे ना, किसी की तो पूजा करते होंगे ना, उसके सामने नजरें मिला के चलो कि गलत नहीं करा मैंने किसी का, तो मैं उन भाई को से एक ही चीज कहूंगी कि जब तक नारी है सर, काली बनने में देर नहीं लगाती, दुर्गा का तो रूप हर चीज हो, माँ भी है तो सर फिर बहुत सारी चीज है, और मेरे अंदर भी सर जब काल मैं चंद्रिका हूँ सर, बट जब परिवार पे बात आएगी ना तो काली बन के सामने होगी। हमारी भारत सरकार की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इससे कितना सहमत है? आप फीमेल है, अर्न कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पिछले 3 महीने में इस चीज ने थॉट ही चेंज कर दिया था, थॉट ही चेंज कर दिया। बेटी बचा भी लेंगे बेटी पढ़ा भी लेंगे, पर बेटी को ये सोच देना कि बेटा जब तेरे को परिवार, चलो मैं ये नहीं कहती सर कि बहुत अच्छी फैमिली में शादी कर दी तो मुसीबत नहीं आएगी, आएगी सर, आपने बेटी को उस चीज सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी किया है। आज हम खुद घर में कुछ कहते, कुछ गलत हो जाता है ना, चुप करते हैं, चल चुप हो जाओ कोई दिक्कत नहीं हो जाए, हम उसको खुद गलत करना सिखा रहे हैं, बर्दाश्त करना तो हम ही सिखा रहे हैं सर, पेरेंट्स ही सिखा देते हैं चुप हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, फेस तो करने दो उसे वो चीज, उसको हक के लिए तो लड़ने दो। आज पति पैसे वाला है कल से गरीब हो गया तो छोड़ देगी? लड़ ना अपने पति, कई बार जॉब चली जाती है सर, कदम से कदम मिलाओ ना। चंद्रिका हमारे पूछताछ के माध्यम से आप एक फीमेल हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, खुद के साथ फैमिली को लेकर चल रहे हैं, सारी चीजें बहुत बेहतर कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सारा कंक्लूड करके आप पूछताछ के माध्यम से क्या मैसेज देना आप चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ सर, मेरी पूरी फैमिली को, पूरे इंडिया फैमिली को सारी चीजें कि मैं चंद्रिका केरा दीक्षित आप सभी की वड़ा पाव गर्ल, जो मुझे पब्लिक ने नाम दिया वड़ा पाव गर्ल, तो ये है कि मेरे बारे में इतने कमेंट्स हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, इतने नेगेटिविटीज हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, मैं हाथ जोड़ के एक बार कहती हूँ कि आप लोग मेरे कार्ड पर आओ, खाओ टेस्ट करो, मेरे नेचर में इतना सा भी होना आप मेरे बारे में ऊपर बोल दे सकते, पर एक बार मुझसे मिलके तो जाओ। कुछ लोगों ने अपने वीडियो कंटेंट बनाने के लिए, अगर मैं ही बोलना चाहती हूँ, एक शो पे 10 लोग होते हैं ना, हमारे घर में अगर 10 लोग 15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो हम इरिटेट हो जाते हैं, बाहर से खाना मंगवाया जाता है तो मैं तो 500-500 फैमिली को खिला रही हूँ। इंसान कभी ऊंची आवाज हो गई पर किसी से बदतमीजी नहीं करी आज तक, तो जज मत हो, सारी चीजें मत करो, ये बस मिलने आओ, कुछ भी करो, आओ मुझे जानो, उसके बाद अपना व्यवहार बताओ। दूसरी बात, आप के माध्यम से एक छोटी सी चीज करने जा रही हूँ, 30 तारीख को बेटे का बर्थडे, तो 2500 लोग मेरी फैमिली को इनवाइट कर रही हूँ, आपको भी इनवाइट कर रही हूँ सर, उसके लिए दुआएं चाहिए सर, और उस दिन जितना होता है फ्री ऑफ वड़ा पाव, 2500-3000 का बजट लेके चल रही हूँ, उस दिन तो 4 वड़ा पाव नहीं मिले, उससे ज्यादा मिले, फ्री वड़ा पाव सर, फ्री वड़ा पाव सर उस दिन, और लोगों ने बैंगलोर हर जगह से टिकट्स भी करवा रखे हैं जो मेरे पास डॉली आ रहे हैं, नहीं इनवाइट करूंगी सर, बाकी भाई का जो शेड्यूल होगा सारी चीजें, तो प्लीज सभी आइएगा और अपना आशीर्वाद लेके जाइएगा। मेहनत कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं अकेली इकलौती लड़की हूँ, मेहनत कर रही हूँ, पूरी दुनिया करती है, स्ट्रगल भी किया है मैंने, और कोई गलत काम नहीं कर, 50 रुपए का वड़ा पाव बेच रही हूँ, कोस निकल रही है, ज्यादा कभी नहीं खाऊंगी क्योंकि असर मेरे बच्चे पे पड़ेगा सारी चीजें, तो थैंक यू सो मच, जय श्री माँ का। तो दोस्तों ये थी हमारी चंद्रिका गेरा दीक्षित, इंटरनेशनल सेंसेशन है आज की डेट में वड़ा पाव गर्ल के नाम से। मैं उम्मीद करता हूँ पूछताछ की टीम ने और मैंने पूरी कोशिश की है इनके बारे में सच्चाई निकालने की, इन्वेस्टिगेशन करने की,
और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे एपिसोड के माध्यम से आपको पता लगी होंगी, और मैं चाहता हूं आप लोग हमारे इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी रह जाता है तो मैं पूरा यकीन करता हूं चंद्रिका जी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप में इंस्पिरेशन है कि बीइंग अ फीमेल, अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, एक ऑर्फन होने के बाद इन्होंने खुद इतना अच्छा स्टैंड लिया, तो इंस्पिरेशन है। हैट्स ऑफ टू यू चंद्रिका, और हमारी ब्लेसिंग है पूछताछ की टीम की मेरी कि आप इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। पूछताछ होगी, पूछताछ खोलेंगे सारे राज, अब खोलेंगे सारे राज।